नमस्कार सर, मेरा नाम सुधीर है और मैं आज आपको इजी लर्न मैनेजमेंट लर्निंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो भी स्टूडेंट्स स्कूल में फोर्थ से टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए ये एक ऐसा सिस्टम है जो उनकी पूरी पढ़ाई को असिस्ट कर सकता है। वो पढ़ाई जो कि अगर टीचर स्कूल में पढ़ाती है उसको भी हेल्प कर सकती है, अगर घर में पेरेंट पढ़ के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसमें भी हेल्प हो सकती है, हर तरीके से बच्चे की हेल्प हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि ये इजी लर्न लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। ये जो सिस्टम है वो पूरा एक लर्निंग साइकिल पे बेस्ड है जो कि बच्चे का लर्निंग साइकिल है, जिसमें कि स्टडी, प्रैक्टिस, असेसमेंट और प्रोग्रेस है। ये फोर्थ से टेंथ स्टैंडर्ड तक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपकी हेल्प करता है और ये CBSE के सिलेबस के हिसाब से है, NCERT के बुक्स के हिसाब से है। CBSE का जो सिलेबस है और NCERT की जो बुक्स है, ना सिर्फ बोर्ड के एग्जाम्स उन पर निर्धारित हैं, उसके अलावा जितने भी कैरियर ओरिएंटेड जितने भी एग्ज़ाम IIT, नीट इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं वो की उसकी भी फाउंडेशनल जो नॉलेज है वहीं से आ रही, तो लर्निंग साइकिल पे निर्धारित है। आइए अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में देखते हैं कि LMS कैसे मदद करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इजी लर्न मैनेजमेंट सिस्टम है और ये मैंने 8th स्टैंडर्ड इसमें लिया है, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये कैसे होता है। मैथमेटिक्स से हम शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में ये सारे इस तरह से टॉपिक्स हैं जो कि 8th स्टैंडर्ड में CBSE के हिसाब से इसमें दिए हुए हैं, रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशंस और इस तरह से सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब किसी भी एक चैप्टर में जो वो टॉपिक है उसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं। सो लेट अस से हमने इसमें उदाहरण के रूप में मेंसुरेशन लिया है। मेंसुरेशन में ट्यूटोरियल्स हैं, मेंसुरेशन में एग्जांपल्स हैं, मेंसुरेशन में प्रैक्टिस टेस्ट हैं और मेंसुरेशन में नो योर स्किल्स है। तो ये इस तरीके से हर चैप्टर जो है वो मैथ्स में बना हुआ है। किसी भी ट्यूटोरियल में आप देखिए कितने विस्तृत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया कि उसका इंट्रोडक्शन भी है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, टोटल सरफेस, लेटरल सरफेस, वॉल्यूम, और फिर उस डिस्कशन में आप सारे एलिमेंट्स यहाँ कवर कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इस LMS की खासियत है कि आप कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में यहाँ पर प्रेस बार है उसको करके कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये पूरा LMS ऑटो रन पे चला सकते हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं। इसके दो फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चा अपनी पेस पे सीखता है, तो ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा स्लो सीखता हो उसको आप स्टेप बाय स्टेप करा सकते हैं। एक बार उस बच्चे ने सीख लिया फिर आप दोबारा करा सकते हैं, या अगर उस बच्चे ने वो बात समझ ली तो फिर आप ऑटो रन से जा सकते हैं। ये देखिए ये पूरा एक डिस्कशन है, इसमें विजुलाइजेशन बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि ये फेसेस, वर्टिसेस और एज के बारे में इसमें डिटेल में दिखाया गया। यही इस LMS की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करा सकते हैं बच्चे को, जिससे कि उसकी एक अच्छी शार्प क्लियर छवि बच्चे के दिमाग में बन जाए और उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और फिर LMS जो है वो आपको क्रमशः आगे आगे कैसे जाना है वो बता सकता है। तो ये आपने देखा मैथमेटिक्स के अंदर कैसे ट्यूटोरियल्स हैं। अब जो आपने पढ़ लिया है उसी के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने एक उदाहरण के रूप में, ये एक शीट है जिसमें 4 सवाल थे, मैंने सारे इसमें आंसर्स डाल दिए लेकिन ये सवाल जो थे इसमें सारे गलत हुए, तो ये यहाँ पर उसका स्कोर आ रहा है और पहले सवाल का जो सही सोल्यूशन है वो भी यहाँ नजर आ रहा है। तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है, हर क्वेश्चन में मल्टीपल तरीके से आपको कर सकते हैं। ये पहले वाला जो आपने प्रैक्टिस किया उसमें आपको बिना टाइम लिमिट के था, इसमें आप टाइम लिमिट्स डाल सकते हैं, इसमें आप क्वेश्चन अलग अलग कर सकते हैं और एक बार आप सबमिट करेंगे तो वो पूरी एक रिपोर्ट दिखा देगा इस तरीके। तो मैंने फाइनल कितने क्वेश्चंस मेरे सही आए, मैंने अटेम्प्ट कितने किए, टोटल क्वेश्चन कितने थे, मैंने कितने अटेम्प्ट किए, करेक्ट कितने, इनकरेक्ट कितने, और उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर्स हैं। इस तरीके से ये मैथमेटिक्स जो है ये कवर हो जाता है। आइए अब साइंस के बारे में देखते हैं। साइंस में भी उसी तरीके से क्रमशः जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब दिए हुए हैं। उन चैप्टर्स में साइंस के अंदर ट्यूटोरियल्स भी हैं, उसमें रिव्यू चीज़ें भी हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ देखिए वर्चुअल लैब्स भी हैं। तो साइंस में आप घर बैठे ही बच्चे को पूरा लैब जो उसका है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का, वो भी आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे मैंने मैथ्स में आपको दिखाया था ऐसे ही साइंसेज में इंट्रोडक्शन है,
उसकी फिर डिटेल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल बायोलॉजी का है तो इसमें सेल नंबर, सेल साइज और सेल शेप की बात है। एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया फिर आप इसको वर्चुअल लैब, जैसे कि 8th स्टैंडर्ड में ये वर्चुअल लैब्स हैं, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स में वर्चुअल लैब्स हैं ये सारा यहाँ पर दे रखा है। और मैं एक वर्चुअल लैब की छवि भी आपको दिखा दूँ, तो आप देखिए ये कैसे इसमें जो एक्टिविटी है उसमें मटेरियल कौन सा चाहिए, उसमें प्रोसीजर क्या होगा, और वो एक्टिविटी सारी आप वर्चुअली बच्चे को दिखा सकते हैं, ताकि बच्चे को पूरे वर्चुअल लैब के माध्यम से वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। तो एक बार आपने सारी चीज़ें कर ली, अब हम चलते हैं सोशल साइंसेज को। सोशल साइंसेज में भी उसी तरीके से आप देखें, सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, उनके ट्यूटोरियल्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो कॉलम मैचिंग वाले कुछ क्वेश्चन हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं। सोशल स्टडीज़ में जो खास चीज़ है वो ये है कि हर चैप्टर का एक बहुत डिटेल मैप बना के दे रखा है। अगेन जैसे कि आपने मैथ्स में देखा विजुलाइजेशन है, ऐसे ही सोशल स्टडी में आपके पास इस चैप्टर में एक पूरी विजुलाइजेशन है, तो आप वो पूरी विजुलाइजेशन देख सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मेन मेन मुद्दे क्या क्या हैं और उन चैप्टर्स के मुद्दों को लर्निंग आउटकम से जोड़ा हुआ है। इसके अलावा डिस्कशन पॉइंट्स भी हैं और ये एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरे चैप्टर को रन किया गया है। और इसके बाद आप उसी चैप्टर में से, ये एक तरीका है जिसको आप कॉलम मैचिंग कहते हैं, उससे आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। ये कॉलम ए था, मैंने ये आंसर्स सारे इसमें डाले थे, मेरे इसमें ये वाला आंसर ठीक है, बाकी ये चार आंसर्स गलत हैं और उसके सही जवाब यहाँ पर हैं। तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे रखा है और उस चैप्टर की डिटेल में डिस्कशन भी कर रखी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। तो सोशल साइंसेज जो है वो यहाँ खत्म होता है। अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में सारा कुछ जो है वो ग्रामर पे बेस्ड है और ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिव्स की बात है, इसी की ट्यूटोरियल्स हैं, इसी की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली हिंदी में आ जाए, हिंदी में भी सब कुछ व्याकरण पे है, तो ऐसे ही ये सारे चैप्टर्स हैं, इसमें ट्यूटोरियल्स या परिचर्चा है, इसी में अलग अलग तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि पूरा एलएमएस जो है वो बच्चे को हर कॉन्सेप्ट को विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कराता है और टीचर को भी वो बहुत अच्छे से करा देता है, पेरेंट के लिए वो सारी विजुलाइजेशन अच्छे से करा देता है और वो जो लर्निंग साइकिल है वो पूरा रीइंफोर्स हो जाता है। बच्चा पढ़ भी लेगा, प्रैक्टिस भी कर लेगा, असेस भी कर लेगा और प्रोग्रेस भी कर लेगा। आपके दिमाग में कोई भी अगर नए सवाल आते हों तो आप हमसे ज़रूर संपर्क। धन्यवाद।